द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। डीआरडीओ और गृह मंत्रालय के बाद अब सीआईएसएफ का एक स्टाफ पाकिस्तानी जासूस निकला है। नाम कपिल कुमार है और इसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को कई खुफिया जानकारी भी शेयर कर दी है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, ललन पोस्ट ने एक ट्वीट किया है, इसमें लिखा हुआ है, सीआईएसएफ कांस्टेबल कपिल कुमार जगदीश देव मुरारी एक महिला पीआईओ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को भेज रहा था गुप्त जानकारी, हुआ गिरफ्तार। मतलब यह मुस्लिम नहीं है तो गोदी मीडिया इस पर खामोश है, नहीं तो यह बहुत बड़ी खबर होती। कपिल कुमार जगदीश देव मुरारी पाकिस्तान का जासूस निकला। अब वो कैसे पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट में आया, इसके मामले में भी जो जानकारी आई है वो बेहद दिलचस्प है। यह बंदा भी हनी ट्रैप का शिकार हुआ है और हेडलाइन भी मीडिया ऐसे ही बना रही है। लेकिन कोई सीआईएसएफ में काम करेगा, कोई डीआरडीओ में काम करेगा, कोई गृह मंत्रालय में काम करेगा, उसे क्या अपना विवेक काम नहीं करता है कि वह किसी जिम्मेदार संस्था में काम कर रहा है? देश के प्रति जो उसकी वफादारी होनी चाहिए वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि ऐसे ही हनी ट्रैप उन्हें डिगा ना सके। फिर यह कैसे उसके चंगुल में आया है, इसको लेकर खबर भी प्रकाशित हुई है। इससे पहले डीआरडीओ का एक साइंटिस्ट भी ऐसे ही पकड़ा गया था, वो भी हनी ट्रैप का शिकार हुआ। गृह मंत्रालय का भी एक कर्मचारी ऐसे ही हनी ट्रैप का शिकार हो गया। दोनों के डिटेल सबके सामने आए थे तो लोग हैरान हो गए कि इतने जिम्मेदार संस्था के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं और वहां की खुफिया जानकारी, तस्वीरें, वीडियो भेजते रहते हैं। अब इसके मामले में देखिए, ईटीवी भारत ने जानकारी दी है कि वहां क्या हुआ है, कैसे यह हनी ट्रैप के शिकार में आया और क्या कुछ इसने कर डाला, सब बताया गया है। हेडलाइन में लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश सीआईएसएफ कांस्टेबल को पाक महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया। बहुत ही साधारण से हेडलाइन में बातें छिपाने की कोशिश करने लगी है मीडिया। यह खुलकर नहीं बोलती कि सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल कपिल कुमार है और उसने पाकिस्तान को जरूरी इंफॉर्मेशन भेज दी, खुफिया इंफॉर्मेशन शेयर किए हैं जो कि गलत है, सरासर गलत है। यहां बताया गया कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के एक कांस्टेबल के पाकिस्तानी महिला द्वारा कथित तौर पर हनी ट्रैप में फंसाए जाने की शिकायत की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि स्टील प्लांट में तैनात सीआईएसएफ कांस्टेबल कपिल कुमार की सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की महिला से दोस्ती हो गई थी। अधिकारियों के संदेह है कि कपिल ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ कुछ जानकारियों का आदान प्रदान किया है। पिछले एक साल से विशाखा स्टील प्लांट के फायर विंग में कार्यरत कपिल इससे पहले हैदराबाद के भानपुर में भारत डायनामिक्स लिमिटेड में काम किया था। वहीं सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर एस सरवनन को कपिल के पाक महिला के संपर्क में होने की सूचना मिली थी। इस पर उन्होंने कपिल को पूछताछ के लिए बुलाया था। बाद में कपिल के फोन की भी जांच की गई और उसने दो तीन फोन रखे हुए थे, एक फोन से पूरा डेटा डिलीट भी कर रखा था। अब उस फोन को जब फिर से रिकवर किया जाएगा, डेटा रिकवर किए जाएंगे तो कई राज खुल सकते हैं। लेकिन जानकारी आने लगी है कि उस महिला के चक्कर में पाकिस्तान को भारत की कई इंफॉर्मेशन इन्होंने लीक कर दिए, कई सेंड कर दिए और जब पकड़े जाने की बात आ गई, इन्हें लगा कि ये फंस गए हैं तो इन्होंने अपने डेटा भी डिलीट करने शुरू कर दिए। ये पाकिस्तानी एजेंट बनने का जो जुनून सवार हुआ है, यह देश को कहां ले जाएगा? जरा देखिए अपने स्क्रीन पर आगे जो बताया गया है कि इस दौरान कपिल के मोबाइल फोन की जांच की गई। वहीं पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि मोबाइल में महिला का नंबर मनीषा के नाम से सेव था, जबकि कहा जा रहा है कि उस लड़की का नाम तमीशा है और यह मनीषा के नाम से नंबर सेव किया गया। आशंका है कि कपिल ने स्टील और देश के आंतरिक मामलों की जानकारी पाक महिला को दी। इसके बाद इंस्पेक्टर सरवनन ने कांस्टेबल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में पुलिस ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक देखिए, जो शक संदेह है किस बात को लेकर जानकारी साझा कर दी। और ऐसे ही कई केसेज लगातार हो रहे हैं जिसमें सब गिरफ्तार भी हो रहे हैं और
हनी ट्रैप के चक्कर में भारत की इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान को सौंप दे रहे हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक हो सकता है। यहां बताया गया है, पुलिस के मुताबिक यह संदेह है कि कांस्टेबल को पाक महिला से एक वीडियो और कुछ संदेश मिले थे, जिन्हें उसने अपने फोन से हटा दिया था और उसके साथ एक गोपनीय बैठक भी की थी। बताया गया है कि कपिल का परिचय पाकिस्तानी महिला से 2 साल पहले फेसबुक के जरिए हुआ था। उसे कथित तौर पर महिला ने नग्न वीडियो कॉल मिली थी। समझा जाता है कि पाकिस्तानी महिला एक आतंकवादी संगठन के एक वरिष्ठ नेता के निजी सहायक के रूप में काम कर रही थी। ये चौंकाने वाला खुलासा है। आतंकवादी संगठन का कोई सीनियर लीडर है जिसके साथ ये काम करती है और इस वक्त उसने CISF के कांस्टेबल कपिल को अपने जाल में फंसाया था और फिर पाकिस्तान के लिए वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करवा रही थी उससे। और ऐसे में जैसे ही भेद खुला है, जैसे इंफॉर्मेशन उसी CISF के इंस्पेक्टर को लगा, उन्होंने तुरंत इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और कपिल को बेनकाब किया है कि कपिल, देश के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जरा सोचिए कि जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, अभी यहाँ पर कोई मुसलमान होता तो आतंकवादी का ठप्पा लगाकर इनके बारे में ना जाने कितने दिन तक खबरें घसीट रहे होते, और यहाँ हनी ट्रैप में फंस गया। एक छोटे से सेंटेंस में खबरों को दबाने की कोशिश कि खबर के भीतर कोई ना जाए, हनी ट्रैप का शिकार हो गया। हनी ट्रैप के भीतर कितने बड़े खतरनाक खेल चल रहे हैं, कैसे ये सभी कर्मचारी, स्टाफ, अलग अलग मंत्रालय के डिपार्टमेंट्स के ये सब खुफिया जानकारी सीधे तौर पर पाकिस्तान सेंड कर देते हैं, उससे कितना देश को नुकसान होगा ये सहज समझा जा सकता है। अब जरा समझिए कि वरिष्ठ अधिकारियों को कपिल के ऊपर किन किन बातों को लेकर संदेह है। वीडियो वाला मामला तो आप समझ गए, जो डेटा था वो डेटा डिलीट करने की भी बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे जांच होगी तो अधिकारियों को जो संदेह है कि वरिष्ठ अधिकारियों को संदेह है कि स्टील प्लांट के साथ साथ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में कांस्टेबल कपिल के द्वारा पिछले 2 वर्षों में गोपनीय जानकारी महिला को लीक की गई थी। हालांकि कपिल शादीशुदा है, लेकिन फिलहाल वह CISF बैरक में अकेले रह रहा है। उसके मोबाइल को जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, 1 अगस्त को कपिल के पास 2 मोबाइल फोन और 4 अगस्त को एक और एंड्रॉयड फोन होने की बात सामने आई है। पुलिस ने पाया है कि सोशल मीडिया और फोन पर मौजूद संदेशों को कपिल के द्वारा जल्दबाजी में डिलीट कर दिया गया। इस बारे में विशाखा नगर आयुक्त त्रिविक्रम वर्मा के आदेश पर मामला दर्ज किए जाने के साथ ही जांच की जा रही है। तो देखिए, इस तरीके के जासूसी के मामले खूब आते रहते हैं। हम बार बार DRDO और गृह मंत्रालय की बात कर रहे हैं, वहां भी ऐसे केसेज देखने को मिले थे। और इससे पहले विशाखापत्तनम में ही बताया गया है कि नौसेना में भी इस तरीके के जासूसी के मामले आए थे। उसमें भी कहा गया था कि ऑपरेशन डॉल्फिन नोज नाम से जासूसी किए जाने का मामला सामने आया था। इस सिलसिले में 11 नौसेना अधिकारियों सहित कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं 19 जुलाई को एक संदिग्ध पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ नौसेना डार्क यार्ड में काम करने वाले आकाश सोलंकी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। कार्रवाई में प्रमुख दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए गए थे। तो यह है मामला कि एक के बाद एक कई ऐसे जानकारी सामने आ रही है जो देश को हिला सकती है। इस तरीके से कोई हनी ट्रैप का शिकार होता है और पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन भेज देता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो। अब तो एक आप और जोड़ लीजिए, नौसेना में और इतनी बड़ी कार्रवाई भी हुई है, इसमें आकाश सोलंकी और ये सारे जितने भी खुफिया एजेंट बने फिर रहे हैं ना, पाकिस्तान के जासूस बने फिर रहे हैं, इनमें से कौन मुसलमान है? और कोई तो हिंदू है, और ये सब देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए? सरकार सिस्टम को तय करना पड़ेगा, ताकि ऐसे CISF में, गृह मंत्रालय में, DRDO में, नौसेना में कोई खुफिया एजेंट न पैदा हो जाए जो देश को तबाह करने की, देश को तोड़ने की कोशिश में लग जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।